नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। उत्तराखंड के चमोली में जिस तरह से ग्लेशियर फटने के बाद दर्जनों लोग यहां फंसे हैं, उनकी मदद के लिए आईटीबीपी के जवान लगातार जुटे हैं। आईटीबीपी के जवान न सिर्फ सुरंग और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं, बल्कि लोगों को खाने पीने के साधन भी मुहैया करा रहे हैं। आईटीबीपी के जवान उन गाँवों में मदद पहुँचा रहे हैं जो कि बाढ़ की वजह से मुख्य मार्ग से कट गए हैं। राहत सामग्री के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को राशन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। दरअसल जोशीमठ मलारी हाईवे पर ऋषि गंगा में हिमखंड आने से रेणी गांव में पुल बहने के बाद भारत चीन सीमा के 13 गांव अलग थलग पड़े हैं। देश से कटे इन गाँवों में सेना के जवान 6 किलोमीटर पैदल चलकर प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। वहीं चमोली जिले में नीति मलारी हाईवे पर रेणी पुल बहने के बाद रेणी, लाता, जुगाजू, जुगावाड़ा, पेंगा मुरंडा, सुगी मलगावा समेत 13 गांवों के ग्रामीण अलग थलग पड़े हैं। इन गांवों में सेना की ओर से रसद, दवाएं और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई प्रभावित गांव ऐसे हैं जो सड़क से 6 किलोमीटर दूर हैं। जुगाजू, जुगावाड़ा, पेंगा मुरंडा सड़क से 6 किलोमीटर दूरी पर हैं। इन गांवों में रसद और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए सेना आईटीबीपी के जवान भेड़, पैदल रास्तों, जंगलों, चट्टानी क्षेत्रों से गुजरकर प्रभावितों को गांव में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, हादसे के बाद बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। उनकी मदद के लिए आईटीबीपी के जवान जान जोखिम में डालकर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दुर्गम इलाकों में भी जवान लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं, लोगों को खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।